जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। गुरु नानक देव जी कथा में आपका स्वागत है। आज हम सुनने वाले हैं गुरु नानक देव जी ने कर्म कांडों पर प्रहार कैसे किया। लेकिन कथा की शुरुआत करने से पहले यहाँ पे जो भी गुरु नानक देव जी को मानता है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू। अभी हम लोग सुनते हैं कर्म कांडों पर प्रहार। गुरु नानक जी द्वारा अलग अलग मौक़ों पर अनेक कर्मकांड तोड़े गए। हरिद्वार में जब लोग पितरों को पानी दे रहे थे, कौवों को खाना खिला रहे थे, पंडितों को पैसे देकर पूर्वजों और मृतकों के लिए पूजा पाठ करवा रहे थे, तब गुरु नानक जी ने लोगों से कहा, पंडितों के कहे अनुसार आप अपने पूर्वजों को और मृतकों के लिए पूजा पाठ कर रहे हैं, नदी किनारे दिए जला रहे हैं ताकि इनकी रोशनी उन तक पहुँचे जहाँ वे गए हैं, क्योंकि आप सोच रहे हैं कि वहाँ अंधेरा ही अंधेरा है। मगर क्या सचमुच इन दियों की रोशनी उन तक पहुँचने वाली है? वहाँ बहुत ठंड है, इसलिए आप कपड़े दान कर रहे हैं, क्योंकि आप सोच रहे हैं ये कपड़े उन तक पहुँचने वाले हैं। मगर क्या वाकई ऐसा होने वाला है? ऐसा कतई नहीं है। आपके पूर्वज जहाँ गए हैं वहाँ कपड़े या भोजन की नहीं, बल्कि ज्ञान की बातों का महत्व है। इसलिए आप गीता का पाठ रखवाए, धार्मिक पुस्तकों का अखंड पाठ करवाए, प्रार्थना करवाए, जिसका लाभ मृतकों को मिलने वाला है। इस तरह नानक जी ने सीधे सीधे शब्दों में लोगों से कहा, अगर आप पंडितों को कपड़े देना चाहते हैं तो अवश्य दें, मगर पितरों के नाम पर ना दें, क्योंकि ये कपड़े इन पंडितों के घर पर ही पहुंचने वाले हैं, इससे ज़्यादा दूर नहीं पहुंचेंगे। धार्मिक स्थल पर जब लोग पूरब में सूरज को पानी दे रहे थे, तब गुरु नानक जी पश्चिम दिशा यानी उनसे उल्टी दिशा में पानी देने लगे। यह देख लोगों ने उनसे पूछा, ये आप क्या कर रहे हैं? सूरज तो इस तरफ है। तब नानक जी ने कहा, तुम लोग सूरज को पानी दे रहे हो और वो उस तक पहुंच सकता है, तो मैं अपने खेतों को पानी दे रहा हूँ। मेरे खेत पश्चिम दिशा में है। इस पर लोगों ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए उनसे कहा, ये भला कैसे संभव है? आपका पानी खेतों तक कैसे पहुँचेगा? आपके खेत तो बहुत दूर है। गुरु नानक जी ने कहा, तुम्हारे सूरज के मुकाबले तो मेरे खेत बहुत ही नज़दीक है। अगर तुम्हारा पानी सूरज तक पहुंच सकता है, तो क्या मेरा पानी मेरे खेतों तक नहीं पहुंच सकता? इस तरह मेरा काम तो यही बैठे बैठे हो जाएगा। यह गुरु नानक जी के समझाने का तरीका था। वे बिल्कुल आदमी की भाषा में समझाते थे, लेकिन उनकी बातों का अर्थ गूढ़ होता था। उनकी बातों पर जिन लोगों ने जरा सा भी ध्यान दिया, वे सोचने में मजबूर हो गए। जब कोई सत्यकार श्रवण करता है, तब उसका मनन शुरू होता है। वह सोचने पर मजबूर होता है कि क्या वाकई ऐसा है, वरना तो केवल देखा देखी में ही ये बात कर रहा है, वह भी कर रहा है, यह भी दौड़ रहा है, वह भी दौड़ रहा है, और हम भी उनके पीछे दौड़ते चले जाते हैं। फिर हमें देख कोई और भी दौड़ने लगता है। ये अंधी दौड़ अनादिकाल से चल आ रही है। इससे कोई बाहर ही नहीं आता, क्योंकि कोई पूछता ही नहीं कि क्यों दौड़ रहे हो। अगर पूछताछ शुरू की जाए तो पता चलेगा कि हर कोई किसी और को देखकर दौड़ रहा है, और जिसे देखकर दौड़ रहा है उसे भी ये समझ नहीं है कि वो दौड़ क्यों रहा है। उसने अपने किसी चाचा, मामा, पिताजी, दादाजी या पड़ोसी के दौड़ते हुए देखा होता है, वह भी दौड़ने लगता है। फिर उसे देखकर कई और लोग भी दौड़ते हैं। उसे पता ही नहीं कि वे किस तरह किन बातों के लिए निमित्त बन रहे हैं। कोई रुकेगा, सोचेगा तो उसे वह सत्य ज्ञात होगा जो नानक जी ने जाना था। अलग अलग तरह की घटनाओं में, व्यापार में, कर्मकांडों में, शिक्षाओं में, स्कूल में सत्य दर्शन करवाने हेतु गुरु नानक जी का शरीर निमित्त बन रहा था। जीवन में रूपांतरण आने के बाद वे लोगों को साफ साफ बता पाए कि सिर्फ पद्मासन या वज्रासन करने से, दाढ़ी या चोटी रखने से,
चांद तारे सूरज की पूजा करने से कोई हिंदू या कोई मुसलमान नहीं बन जाता, बल्कि ईश्वरीय गुणों को प्राप्त करना और उस पर कार्य करना आवश्यक है। इस तरह गुरु नानक जी ने अपनी शिक्षाओं के जरिए लोगों को ध्यान बार बार गुणों पर लौटाया। उन्होंने लोगों को ये समझा दिया कि मन एक मदमस्त हाथी की तरह है जो बिना दिशा के कहीं भी भटकता रहता है, जिसे अभ्यास, सुमिरन और जप के जरिए प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। गुरु नानक जी की मूर्ति पूजा पर समझ क्या है अभी हम लोग देखेंगे। पुजारी, बाबा जी बताए कि पत्थर की मूर्ति में भगवान है या नहीं? नानक जी कहते हैं, हाँ, क्यों नहीं, वे सर्वव्यापक है इसलिए मूर्ति में भी है। पुजारी बोलते हैं, तब मूर्ति पूजा में क्या दोष, विशेषकर जबकि मूर्ति सामने रहने से उसमें मन जल्दी एकाग्र होता है। वह मूर्ति की नहीं बल्कि ईश्वर की ही पूजा हुई। नानक जी बोले, तुम्हारे तर्क ठीक है, अब इसे एक और पहलू से देखो। तुम रोज मूर्ति अलमारी से निकालकर पूजते हो और फिर उन्हें जगह पर रख देते हो। पुजारी जी बोले, हाँ मैं तो ऐसा रोज ही करता हूँ। नानक जी बोले, अगर पूजा के दौरान कोई तुम्हारी मूर्ति चुरा ले तो तुम्हें गुस्सा आएगा कि नहीं? पुजारी बोला, जरूर आएगा, बहुत गुस्सा आएगा, क्यों नहीं आएगा? नानक जी बोले, तो यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। हम सर्वव्यापक ईश्वर को मूर्ति के रूप में इतना छोटा समझ लेते हैं कि उसे कोई भी चुरा सकता है, और तुम अपने भगवान की चोरी हुई समझ कर अति क्रोधित हो सकते हो। ईश्वर का असली स्वरूप जानने के लिए पहले पात्र बनना पड़ेगा। गुरु नानक जी के जीवन में ऐसे कई उदाहरण हैं जिसमें उन्होंने कई सारे कर्मकांडों को तोड़कर लोगों को जागरूक भी किया है। सत्य को समझाने के लिए गुरु नानक जी ने ईश्वर के लिए जो शब्द इस्तेमाल किया वह था अकाल मूरत, अकाल जिसका कोई काल नहीं आता, जिसकी मृत्यु भी नहीं होती। बाहर की मूर्तियाँ तो टूट जाती है लेकिन वह अकाल मूरत है, समय के परे है। काल का अर्थ समय भी है, जब समय नहीं था यानी दुनिया नहीं थी तभी से अकाल है। इसे अजुनी स्वयंभू भी कहा जाता है, इसका अर्थ जिसकी जुन नहीं होती, जो पैदा नहीं होता, यानी स्वयंभू है जो खुद ब खुद प्रकट होता है। शिव शंभु का अर्थ भी वही है। लोग अलग अलग शब्द इस्तेमाल करेंगे लेकिन वही सत्य की बात कहना चाहेंगे। भगवान महावीर और भगवान बुद्ध कहेंगे, तुम खुद मूरत बन जाओ, ध्यान में ऐसे बैठो कि लगे यही मूरत है, न हिल रहा है न डुल रहा है, यही मूरत बन गया है। इस तरह सभी का बताने का तरीका अलग अलग है। कोई कहेगा, बाहर की मूर्तियों में मत जाओ, तुम्हारे शरीर को मूर्ति बनाओ, तुम मंदिर बन जाओ। अलग अलग ढंग से सभी वही सत्य बता रहे हैं ताकि लोगों के अंदर परम ज्ञान प्रकट हो, वही श्रद्धा, वही एकाग्रता जागृत हो, जिससे परम मुक्ति, मोक्ष मिले। थैंक यू। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल।